मैं एक सोशल मीडिया वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि 21 विधानसभा सीटों पर कुमारी सैलजा का पूरा असर है और कांग्रेस की चिंता है जी। सोचे वाला जी, मेरा सवाल ये है कि सैलजा की अनदेखी कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए, नुकसान तो है निश्चित तौर। कभी कहते हैं कि सैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करो, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री घोषित करो, कभी कहते हैं आज नायब सिंह सैनी, आज नायब सिंह सैनी कह रहे थे मिर्चपुर कांड को भी ले आए थे साथ में। एक दो जो उनके जाने वाले थे, जिनकी वो घोषणा तक कराई थी, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, उनको तक महरूम कर दिया टिकट से। पिछले दिनों से बड़ी चर्चा चल पड़ी कि सैलजा पार्टी छोड़ रही है, बड़ा रूमर चला। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति हो, समाज नीति हो, व्यापार हो, सब में एक बात कही जाती है और वो कहा जाता है कि तिनके का सहारा, या ये कह देते हैं कि जब कुछ सूझ ना रहा हो तो आदमी कोई नए मुद्दे ढूंढता है, कोई नए मुद्दे गढ़ता है। मैं आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आजकल राजनीति के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कुमारी सैलजा बहुत चर्चाओं में है। कांग्रेस की नेत्री हैं, सिरसा की सांसद हैं, हाल ही में सांसद बनी थी। जितनी चर्चा उनकी कांग्रेस के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कारण क्या है, सैलजा जी चर्चाओं में क्यों हैं, और आखिर भारतीय जनता पार्टी का ये दलित प्रेम कहता क्या है? कुछ ऐसे विषयों को, कुछ ऐसी बातों को लेकर हम चर्चा में हैं और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। आपकी सांसद बहुत चर्चाओं में है आजकल जी। आपके लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं कुमारी सैलजा। हमारी सांसद है वो जी, और पार्टी की भी और हरियाणा राज्य की भी बड़ी ऊंची और कद्दावर नेता है। मैं तो देश की कद्दावर दलित नेता कह सकता हूँ। दलित भी है और वैसे भी उनका मान सम्मान काफी है। इनके पिताजी दलबीर सिंह का पूरे प्रांत में जो है ना, बड़ा अच्छा रुतबा था उनका और काफी अच्छे आदमी थे। मेरा तो उनसे निजी संपर्क भी रहा है। तो अब सैलजा जी भी एक सुलझी हुई और हाईकमान के काफी नजदीक है, सोनिया जी के। हाईकमान के नजदीक हैं जी। हरियाणा की बड़ी नेता हैं जी, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं जी। टिकटों में कांग्रेस ने पूछा नहीं। कई बार ऐसा है कि हालात और त्याग भी कोई चीज़ होती है, और कई बार फैसले ले लिए जाते हैं ऐसे। एक दो जो उनके चाहने वाले थे, जिनकी वो घोषणा तक कराई थी जी, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, उनको तक महरूम रख दिया टिकट से। 2014 में देखिए, अडवाणी जी बहुत निर्विवाद और बहुत ऊंचे नेता थे और उनके शिष्य ही थे वाजपेयी जी के। नहीं, अच्छा, नरेंद्र मोदी उनके शिष्य थे। उन्हीं के बलबूते पे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी बच पाई थी। वाजपेयी जी तो उस वक्त, उन्होंने तो इस्तीफा मांग ही लिया था जब वो गुजरात में दंगे हुए। उनको बचाया था उन्होंने, अडवाणी जी ने जी बिल्कुल। तो लेकिन वक्त का फेर देखिए, अडवाणी जी को धकेल के वो आगे आ गए, और ये तो राजनीति में हो जाता है कई बार। मतलब हुड्डा जी ने सैलजा जी को धकेल दिया पीछे और टिकटों में अपनी चला। या ये तो समय की बात है, और कौन कब किसको धकेलता है। मुरारजी देसाई को कांग्रेस ने पीछे धकेल ही दिया था, और 81-82 साल की उम्र में जाके वो प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार आई। ऐसे नरसिम्हा राव जी के बारे में भी कहा जाता है, वो भी स्वास्थ्य बिगड़ गया था और राजनीति से संन्यास ले ही लिया था उन्होंने। तो वक्त की बात है कौन कब आ जाए, तो कह नहीं सकते कब किसका वक्त दोबारा से जाग जाए। मतलब अब लग रहा है आपको कि सैलजा जी टिकटों में पीछे रह गई तो मुख्यमंत्री बन सकती है, वक्त जाग सकता है उनका। मोदी जी का आप नाम ले रहे हो, मुरारजी भाई का आप नाम ले रहे हो, ये कोई बड़ी अच्छा नहीं है। अच्छा भाई, टिकटें तो, और जहाँ तक है भजनलाल जी के पास थी, 36 MLA थे उनके पास 2005 में जी। तो उनको पीछे रख के भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, तो ये कोई वो नहीं है। इतिहास अपने आप को पता नहीं कब किस मोड़ पे ले जाए। तो आला कमान का फैसला होगा ये तो।
आलाकमान का तो फैसला, जो फैसला करेगा, निर्णय तो आलाकमान का ही चलता है। आलाकमान ने कुछ सोचा होगा कुछ। अब हालांकि टिकटों पर चर्चा करना वैसे बेमानी बात है, क्योंकि टिकट वितरण हो चुका, चुनाव शुरू हो चुका, जिनको मिल गया वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन चर्चाएं बहुत हैं आज भी। आपने सही फरमाया कि कांग्रेस से ज्यादा शैलजा जी के प्रति प्रेम कहिए या स्वार्थ कहिए या क्या चीज है कि वो भाजपा में ज्यादा धारा बह रही है उनके प्रति, अविरल प्रेम की धारा, के निश्चल जैसे गंगा की धारा बहती है, वैसे तमाम ज्यादा फिक्र हो रही है, तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं उनको ज्यादा चिंता हो रही है। मैं कभी कहते हैं कि शैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करो, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री घोषित करो, कभी कहते हैं आज नायब सिंह सैनी, आज नायब सिंह सैनी कह रहे थे मिर्चपुर कांड को भी ले आए थे साथ में। भाणा कांड, मिर्चपुर कांड और न जाने कितने कितने कांड को वो भी उछालेंगे, ये भी उछालेंगे, तो दोनों तरफ से होता है। हाँ, जब चुनाव चलेगा तो कीचड़ उछलेगा। और नहीं, वो तो कांग्रेस भी ये कभी वो पेपली कांड, कभी वो बस्तारा कांड जहाँ पे वो लाठी सिर फोड़ा गया था किसानों का जी, और आपका ये बॉर्डर के ऊपर जो 750 किसानों को जो शहीद हुए, उनका भी पार्टी उठाती है। वो तो सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इसकी छोड़िए 1984 की बातें, गुजरात के दंगे भी बीच में सब कुछ आएंगे। जब चुनाव आएगा तो आजादी से लेकर के और आज तक का दौर सारा चल पड़ेगा। और नेहरू जी को गुजरे जमाना गुजरे, उनको भी ले आएंगे, उनको भी ले आएंगे, उनको आज तक नहीं बख्शा जाता। मैं एक बात पूछूं सुरजेवाला जी, जी ये जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं शैलजा जी के लिए जी, कि भाई कुमारी शैलजा का बड़ा सम्मान है, कुमारी शैलजा को करते क्यों नहीं है, या दलितों को पीछे क्यों करते हैं, उससे पहले अशोक तंवर को उन सब सारे जिक्र कर रहे हैं। मतलब ये दलितों का सम्मान की बात है, महिला के सम्मान की बात है, भाजपा वालों को कांग्रेस की चिंता है या दलितों के वोट की चिंता है? किसी की भी चिंता नहीं, उनको अपनी चिंता है। अच्छा, वो अपने स्वार्थ की बात करते हैं। हाँ। अगर ऐसा है तो भाजपा ने एक भी किसी स्टेट का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया है किसी दलित को? तो कह रहे राष्ट्रपति बना दिया एसटी को, राष्ट्रपति बना दिया। अब पहले राष्ट्रपति दलित थे, अब राष्ट्रपति पहले एससी थे, अब एसटी है। वो तो कह रहे हम तो सब कुछ करते हैं एससी के लिए सब। अच्छा, वो है इसी कुछ करने के उस स्थिति में, मंदिर में तो उनको घुसने नहीं दिया उस राष्ट्रपति को। राम मंदिर का मुद्दा इतना उछला और उसमें फिल्म स्टार, उद्योगपति और सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी को बुलाया गया, और तो इवन कांग्रेस को भी इस बात के लिए इन्होंने लानत भेजी कि भी आप इसमें क्यों नहीं शामिल हो रहे। मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रपति का उल्टा सम्मान किया उन्होंने। क्या सम्मान किया? प्रधानमंत्री जी थे, राष्ट्रपति जी गौण हो जाते इसलिए बुलाया नहीं उनको। राष्ट्रपति जी करवाते भाई, राष्ट्रपति का पद ऊंचा है तो उनसे करवाते, अगर मान सम्मान देना था क्यों नहीं। भाई आपने, मैंने आपको सम्मान देना है, मैं पीछे हट जाऊं आपको आगे ले आऊं, तभी तो आपका सम्मान है। ये कौन सा सम्मान है कि मैं आगे रहूं और आपको मेरे पीछे लगा लूं? ये तो कोई सम्मान नहीं ना, ये तो मेरी नीयत का खोट है। तो उनसे करवाते। मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों एक रैली की थी जी, उसमें लोटे में नमक डाला था और दलित सम्मान रैली थी जी। तो दलितों के लिए मान सम्मान प्यार, दलितों की चिंता, दलित को मुख्यमंत्री घोषित करो, दलितों को दूसरे करें, हम ना करें जी, अपना कर दो ना, अपना कर रहे। हमने पिछले को कर रखा है घोषित, पहले ही ओबीसी को। और पिछले को नहीं जाने कितनी जाति हैं, पिछले में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, सारे पिछड़े हैं। तो कह रहे हमने तो पिछड़ों को दे रखा है, ओबीसी को दे रखा है। नहीं, फिर दलित का प्रेम जाग रहा है तो दलित को बनाओ ना, लेके आओ ना दलित। चलो कुमारी शैलजा जी पे वापिस आते हैं, कांग्रेस में वापिस आते हैं, चलो भाजपा के लोग कह रहे। वैसे अगर देखें, अगर जी कुमारी शैलजा का हिसार लोकसभा में मुझे लगता अच्छा सर है, सिरसा लोकसभा में अच्छा सर है, अंबाला लोकसभा में अच्छा सर है जी। तीन तो स्टेट की नेता है, राज्य की नेता है पूरा। मैं एक सोशल मीडिया वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि 21 विधानसभा सीटों पर कुमारी शैलजा का पूरा असर है और कांग्रेस की चिंता है जी। सुरजेवाला जी, मेरा सवाल ये है कि शैलजा की अनदेखी कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ जाएगी कहीं? देखिए नुकसान तो है निश्चित तौर पर,
थोड़ा ज्यादा वो तो वक्त बतलाएगा, बट नुकसान तो है ही। कुमारी सहजा भी अगर बिल्कुल खामोश बैठी है, कोई चुनावी सभाओं में नहीं है वो। देखिए अभी उनका नरवाना का तो प्रोग्राम बनने जा रहा है, बनने जा रहा है, देखते हैं। नरवाना क्षेत्र में तो आएंगी। चलो नरवाना उनका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा भी है, उनको पास तो उनका जाएंगे, ऐसा नहीं। तो नरवाना के जो कैंडिडेट हैं वो सहजा समर्थक हैं क्या? हाँ, उनका क्षेत्र है, उनका लोकसभा क्षेत्र है। क्षेत्र तो उनका बहुत बड़ा है। हाँ नहीं, उनके समर्थक हैं वो, नरवाना से जो है उनके समर्थक हैं। तो मैं वही कह रहा था, अच्छा सहजा जी का चुनाव प्रचार में ना उठना जी, क्या वो भी अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं कि भाई आपने मेरा ध्यान नहीं रखा या आपने मेरे लोगों का ध्यान नहीं रखा? थोड़ा बहुत तो होता ही है, जब आप को अगर मैं मान सम्मान ना दूं तो आप, ऐसा तो नहीं है कि भी आप अपने आप ही आगे निकल के आएंगे मेरी खातिर। हो सकता है उनके दिमाग में थोड़ा बहुत तो देखिए हो ही जाता है। क्या ये लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने उनको वजन नहीं दिया, या जो आला कमान के जो प्रहरी थे हरियाणा के अंदर, चाहे वो हरियाणा के प्रभारी हुए, चाहे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हुए, चाहे वो महासचिव केसी वेणुगोपाल हुए, जी जी, मतलब किसने लाइन काटी सहजा जी की? ये तो वक्त का फेर है जो है ना, सारी बातें कुल मिला के ये भी सोचा होगा हाईकमान ने कि भाई एक म्यान में दो तलवार ना रख के कहीं वो नुकसान ना दे जाए, हो सकता है ये विचार रखा हो। एक बात तो ये तय है कि सबसे पहले कांग्रेस का फैसला टिकट वितरण में ये हुआ कि जो सिटिंग MLAs हैं उनको टिकट दे दी, सबको दे दिया। सबसे पहले लिस्ट वो जारी हुई, चार पांच विधायक उनके थे सहजा समर्थक, उन सबको मिल गया, उसमें मेजोरिटी जो है ना कहिए या हालात के मुताबिक कहिए वो भूपेंद्र हुड्डा जी का साथ है। तो ये कह लीजिए कि उनके आदमियों को ज्यादा टिकट मिलना, कुछ भी कहिए इसको, बट वो सिटिंग MLA थे इस नाते वो सबको टिकट मिला। सहजा जी के लिए एक बयान, हालांकि नेताओं के बयान तो नहीं आए, कुछ लोगों के वैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे जी। उसके बाद हुड्डा साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि सहजा हमारी सम्मानित नेता है, ये सब डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। देखिए नेचुरल है, उनको बढ़ता है, उनको कहना ही भी चाहिए था और ये उनके लिए एक अच्छी बात है। अगर हुड्डा साहब ने ऐसा कहा है तो ये एक अच्छा, उनकी तरफ से अच्छा संदेश है, पार्टी के हित में भी जाता है और खुद स्वयं हुड्डा साहब के भी व्यक्तित्व को ये प्रकट करता है कि वो उन्होंने अच्छी सोच दर्शाती है उनकी। अंतिम सवाल पे आते हैं जी। अशोक तंवर को हटा करके कुमारी सहजा अध्यक्ष बनी थी, दलित को हटा करके दलित अध्यक्ष बने जी, लेकिन ना अशोक तंवर फेवर के थे हुड्डा साहब के, ना सहजा फेवर की थी जी। सहजा जी को हटा करके अध्यक्ष बने चौधरी उदयभान, वो भी दलित नेता, दलित है। लोहे को लोहे से काटने वाली हुड्डा साहब की प्लानिंग थी क्या ये? बहुत दिनों से है। देखिए कि हरियाणा में अगर बहुसंख्यक समाज से अगर कोई है तो वो दलित समाज से प्रधान रखा जाता है या मुख्यमंत्री हो या जैसा, ऐसी सोच है दोनों वर्ण को साथ लेकर। बहुत कम रहा जब चौधरी भजनलाल लीडर अपोजिशन थे जी और हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, वो बहुत थोड़े समय के लिए। उससे पहले जो दलबीर सिंह भी कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा में, और जो सुल्तान सिंह भी रहे हैं, चौधरी धर्मपाल मलिक प्रदेश अध्यक्ष थे, पाल मलिक भी रहे, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, भजनलाल जी अल्पसंख्यक उससे थे, तो चलता रहा है। ऐसी सोच जी पार्टी की रहती है कि भाई मिला जुला करके काम चलाया जाए, तो ये तो चलता रहा है। आप सहजा जी को बड़े पास से जानते होंगे जी, सांसद हैं जी, निजी तौर पर भी जानते, निजी तौर पर भी जानते होंगे जी, पुराने आप राजनीति के जितने प्रशासनिक आपका अनुभव है उतना अनुभव राजनीतिक भी है। बिल्कुल। क्या लगता है सहजा जी को मनाना पड़ेगा कांग्रेस का समर्थन? पिछले दिनों तक बड़ी चर्चा चल पड़ी जी कि सहजा पार्टी छोड़ रही है, सहजा पार्टी छोड़ रही है, बड़ा रूमर चला। देखिए मेरी जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ, उनको जानता हूँ, उनकी ऐसी सोच कभी नहीं रही। ना वो उस परिवार से हैं, इनके पिताजी शुरू से जो ना धुर जिसको कहते हैं वो कांग्रेस में, जन्मजात कांग्रेस ही कहते हैं वो, रहे हैं, उन्होंने कभी इधर उधर नहीं झांका। तो सहजा जी के बारे में भी हमेशा ये रहा, किसी के बारे में कुछ भी हो सकता है, बट सहजा जी के बारे में कभी उन्होंने, मैं तो ये कहूँ उनको, उनकी सोच में ही ऐसा नहीं है जी।
तो वही आ रहा हूँ क्या, और उन्होंने कहा भी जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप इस्तीफा दे रही हैं, उनका इस्तीफा और शैलजा ये तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, तो उस बात से भी अंदाजा लगाइए आप। तो ये जो रसवाई दूर करने के लिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या हरियाणा की जो कांग्रेस है कि उनको मनाना पड़ेगा या वैसे ही मान जाएंगे? नहीं, उनको मान आदर देना चाहिए और वो देंगे, मेरे को ऐसा विश्वास भी है और ये चलता है। परिवार में कई बार नाराजगी हो जाती है, कई बार हमारा बेटा हमसे नाराज हो जाता है, तो हम उसको मनाना कहिए या उसको प्यार प्रेम अगर दें तो दूर हो जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बीजेपी को क्या कोई फायदा होगा जो शैलजा वाला मुद्दा उठा रहे हैं दलितों के अंदर, खासकर अगर कोई मैसेज जा सकता है? फायदा नहीं है, ये सिर्फ वही है ना जो अमित शाह जी कहते, वो तो जुमला था, पब्लिक है सब जानती है, ऐसा है क्या? हाँ, ये सब बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसे ना कोई उनको लाभ है ना उनकी कोई मंशा है ऐसी। कल को अगर शैलजा जी को मुख्यमंत्री, यही बीजेपी सबसे कटु आलोचक हो जाएंगे उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे यही। तो मतलब अंतिम सवाल में आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को, इससे कोई अगर डैमेज होगा तो कंट्रोल हो जाएगा? और कुमारी शैलजा थोड़ा बहुत तो देखिए, जब भी कभी कोई ऐसी बात मनमुटाव होता है उसकी कोई फर्क तो देखो पड़ता ही है, तो कुमारी शैलजा मान भी इसमें, लेकिन जहाँ तक है कि वो इतना दूर नहीं जाएंगी और वो इस तरह का कोई डैमेज वाली बात नहीं है, नुकसान थोड़ा सा होता है हो जाता है। तो ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जी और चर्चा का विषय था कुमारी शैलजा जी को लेकर के, बता रहे थे कि कुमारी शैलजा कांग्रेस से कभी दूर हो नहीं सकती, बता रहे थे कुमारी शैलजा जी के लिए जो कुछ कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो कोई दलित प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है, पार्टी का अपने राजनीति के लिए है खातिर, और कह रहे थे कि अगर कोई डैमेज होगा तो डैमेज कंट्रोल भी हो जाएगा और कुमारी शैलजा को मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा कांग्रेस जनों को, कह रहे थे कि मान सम्मान तो दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ये ज्वलंत विषय आज का था क्योंकि नायब सिंह सैनी आज ही कह रहे थे, भाजपा के बड़े नेता भी आज कह रहे थे, इस प्रकार के चुनावी जो मुद्दे होंगे, चुनावी चर्चाएं होंगी, इन पर हम भी लगातार आपसे बात किया करेंगे और ये लगातार जारी रहता है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।